हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में मैं कवर करूंगा यूनिवर्सल स्टूडियो सिंगापुर। जी हाँ, यूनिवर्सल स्टूडियो सिंगापुर का एक आइकॉनिक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। जितने भी टूरिस्ट सिंगापुर आते हैं वो यूनिवर्सल स्टूडियोज सेंटोसा जरूर जाते हैं, और आपको भी ये मिस नहीं करना है। मेरे वीडियो को आप एंड तक देखिए, मैं काफ़ी सारे आपको बोनस टिप्स दूंगा। टिकट क्या है, किस दिन जाना चाहिए, कब आपको भीड़ कम मिलेगी, वो सब चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो एंड तक इस वीडियो के साथ आप बने रहिए। यूनिवर्सल स्टूडियो जाने के लिए आपको पहले वीवो सिटी मॉल पहुंचना पड़ेगा। मैंने MRT ली और मैं वीवो सिटी मॉल आ गया। उसके बाद मैंने सोचा मोनोरेल में कर लेता हूं, तो उसके लिए मैं वीवो सिटी मॉल के 3rd फ्लोर पे गया और वहां पे मैं इस सेक्शन में पहुंच गया। और जब मैंने टिकट पता करी तो मुझे $4 की उन्होंने टिकट बताई, क्योंकि पहले ये फ्री होता था। तब फिर मुझे पता चला कि 1 अप्रैल से ये टिकट इसमें लग गई है अगर आप मोनोरेल से जाते हैं। तो गाइज, ये मेरा बजट ट्रिप था, इसलिए मैं बोर्ड वॉक से गया और मैं सेंटोसा आइलैंड पहुंच गया। तो देखिए, सामने ही मुझे यूनिवर्सल स्टूडियोज का ग्लोब दिख गया। तो काफ़ी एक्साइटमेंट होती है जब आप इतना बड़ा ग्लोब देखते हैं, और जो वर्ल्ड फेमस एक आइकॉनिक जगह है उधर आते हैं, तो अपने आप ही आपका जो एड्रेनल रश है वो काफ़ी हाई हो जाता है। तो ये सामने मुझे ग्लोब दिखा, मैं काफ़ी खुश हो गया इसको देख के। दोस्तों, अब बारी थी टिकट लेने की। फिजिकल टिकट विंडो सारे क्लोज थे, तो आसपास मैंने देखा तो मुझे कई सारे सेल्फ सर्विस कियोस्क दिखे। ये बहुत हेल्पफुल रहे। इस पे आप तीनों एडवेंचर पार्क की टिकट ले सकते हैं। सी एक्वेरियम की मैंने टिकट देखी, वो करीबन $41 के आसपास की थी, फुल डे की, आप दिन में कभी भी जा सकते हैं। उसके बाद यूनिवर्सल स्टूडियो जहाँ मुझे जाना था उसकी मैंने टिकट देखी, तो वो एक दिन की थी $82 की, एडल्ट की। उसके साथ ही मैंने एडवेंचर पार्क की टिकट भी देखी, जो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो कि करीबन $39 की वन डे टिकट थी। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, तो इसलिए मैंने वन डे टिकट ली और एंट्री कर ली मैंने यूनिवर्सल स्टूडियोज़ की। और जैसे ही मैं अंदर आया तो मुझे बिल्कुल ऐसा लगा कि मैं एक अलग दुनिया में आ गया हूँ। बिल्कुल एंटरटेनिंग, बिल्कुल डिफरेंट लगता है, और एकदम से आप पॉजिटिव वाइब से पूरे भर जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया लग रहा था मुझे, और मुझे पता था कि यहाँ पे काफ़ी सारी राइड्स हैं, तो मेरा जो पूरा दिन है वो बिजी जाने वाला है। और जैसे जैसे मैं यूनिवर्सल स्टूडियोज़ के अंदर और आगे बढ़ता गया, माहौल और एटमॉस्फियर और बढ़िया हो गया, और ज़्यादा एंटरटेनिंग हो गया। आपको हर जगह कुछ ना कुछ एडवेंचर होता हुआ दिखेगा, कोई शो होता हुआ दिखेगा, तो आप बिल्कुल भी किसी भी समय पे आपको बोरिंग नहीं लगेगा। तो ये एक बहुत बढ़िया चीज़ मुझे लगी यूनिवर्सल स्टूडियोज़ की। देखिए, मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो आप चाहें तो 1.5 की स्पीड पे इस वीडियो को आगे देख सकते हैं।
देखिए इनिशियली $82 फीस जो है वो काफ़ी ज़्यादा लगती है, लेकिन जब आप इसके अंदर आएंगे यूनिवर्सल स्टूडियोज़ में तो राइड्स इतनी सारी हैं कि आपका पूरा दिन बिजी निकलेगा। तो अगर आपको सारी राइड्स एंजॉय करनी है तो वीकडेज़ में आइए और वीकेंड्स को अवॉइड करिए, बिकॉज़ वीकेंड्स पे जो नेबरिंग कंट्रीज़ है वहाँ से काफ़ी सारे टूरिस्ट आते हैं और हर राइड में बहुत लंबी लंबी क्यूज़ होती हैं। उसको अवॉइड करने के लिए वीकडेज़ में आइए और यूनिवर्सल स्टूडियोज़ एंजॉय करिए। ये वाला आप स्टैचू देख के पहचान गए होंगे ये क्या है। जी हाँ, ये ट्रांसफॉर्मर है और यूनिवर्सल स्टूडियोज में ट्रांसफॉर्मर का जो थीम है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। यहाँ पे आपको इतनी शानदार राइड दिखेगी, 4D राइड दिखेगी और यू विल फील लाइक कि आप उस वॉर में खुद ही हैं। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन में, दिस इज अमेजिंग। ऐसा नहीं है ये खाली बच्चों के लिए, हर एज ग्रुप के लोग इसे एंजॉय कर सकते हैं, बल्कि यूनिवर्सल स्टूडियोज में सारी राइड्स बहुत ही फैंटेस्टिक हैं, बहुत ही बढ़िया है। अगला जो सबसे फेमस राइड है वो है ये रोलर कोस्टर्स गैलेक्टिका। दो रोलर कोस्टर्स हैं, मैंने दोनों बहुत एंजॉय किए। और जो आपका सामान है वो आपको लॉकर में रखना पड़ेगा, लॉकर साइड में ही है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बहुत बढ़िया राइड रही और बहुत एडवेंचरस राइड है, इसको बिल्कुल हम मिस नहीं कर सकते। तो मैं काफ़ी खुश रहा इस राइड को करके। अगली जो थीम जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है वो है इजिप्ट की। उन्होंने उसी तरह के स्टैचूज बनाए हैं, आप मतलब मैं देख के मुझे ऐसा ही लगा कि मैं इजिप्ट में ही पहुंच गया और उसी टाइम में पहुंच गया। इसके अंदर भी एक राइड है जो अगेन एक रोलर कोस्टर है। मुझे उम्मीद नहीं थी ये इतना थ्रिलिंग होगा, गैलेक्टिका को टक्कर देता है ये। पूरा कवर्ड रोलर कोस्टर है तो आपको बाहर से कुछ भी नहीं दिखता, लेकिन जब आप उसके अंदर बैठते हैं तो भाई क्या थ्रिलिंग एक्सपीरियंस होता है, मैं आपको बयां नहीं कर सकता। इसको आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते हैं, इसमें ज़रूर ज़रूर जाना है हमको।
करीबन 3 बज गए थे, तो अब टाइम था पेट पूजा का। तो इजिप्ट वाले सेक्शन में एक फूड कोर्ट मुझको मिल गया। यहाँ पे इंडियन फूड काफ़ी सारा था, लेकिन वेज का थोड़ा प्रॉब्लम था, तो मैंने समोसे ऑर्डर किए और इनसे अपना पेट भरा, और एक कोल्ड ड्रिंक भी मैंने ले ली थी। उसके बाद आगे बढ़ते गए तो हमें और ज़्यादा राइड्स मिली, तो सारी राइड्स मैंने करी हैं गाइज, एक दो ही मेरी रह गई थी क्योंकि रश बहुत था। तो मैंने ऑलमोस्ट आई ट्राइड टू कवर ऑल द राइड्स एंड ऑल आर वेरी थ्रिलिंग। और आगे बढ़ते बढ़ते मैं पहुंच गया बच्चों के फेवरेट जुरासिक पार्क में। ये भी बहुत पॉपुलर थीम पार्क है यूनिवर्सल स्टूडियोज का, बहुत नाइसली बिल्ट है, और इसके अंदर भी एक राइड है, आई थिंक इसके अंदर एक वाटर स्लाइड है, वो मैंने ट्राई नहीं किया क्योंकि उसके लिए आपको पूरा का पूरा रेनकोट खरीदना पड़ता है, तो वो मुझे वर्थ इट नहीं लगा, वो मैंने ट्राई नहीं किया, लेकिन आप लोग ट्राई कर सकते हैं। और यूनिवर्सल स्टूडियोज़ के सफ़र को ख़त्म करते करते मैं पहुंचा श्रेक के कासल में। यहाँ पे मैंने इन्जॉय करी एक 4D मूवी जिसमें पूरी आपको श्रेक की स्टोरी और फियोना के बारे में बताते हैं। बच्चों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव है, बट जैसा मैंने बोला कि यहाँ पे सारे जितनी भी राइड्स हैं, अट्रैक्शन हैं, बच्चे बूढ़े और जवान सब के लिए हैं, सब लोग उसको इन्जॉय कर सकते हैं। तो यूनिवर्सल स्टूडियोज़ 10/10 फ्रॉम माई साइड। गाइज थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए। चैनल के सपोर्ट के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब हिट करें, और ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए और बनाता रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।